हेलो फ्रेंड्स, NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ज्योत्सना परमार आज से आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आई हूँ, जहाँ पर अपन डेली करंट अफेयर्स के 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो अपनी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे की एग्ज़ाम हो, SSC एग्ज़ाम्स हो, बैंकिंग हो या फिर व्यापम हो, सभी में करंट अफेयर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी स्टार्ट की है, जहाँ पर अपन डेली 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गूगल और किस कंपनी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए जा रहे लोकेशन ट्रैकिंग एप्स को बैन करने की घोषणा की है। चार ऑप्शन दिए हैं, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और फेसबुक। तो इसका राइट आंसर है एप्पल। गूगल के साथ एप्पल ऐसी कंपनी है जिसने कोरोना वायरस को लेकर बनाए जा रहे ऐप्स में लोकेशन ट्रैकिंग को बैन कर रखा है। उन्होंने घोषणा कर दी है कि जो भी हम कोरोना वायरस को लेकर ऐप बनाएंगे, उसमें हम लोकेशन ट्रैकिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिका में भारतीय मूल की अभियोजक को न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो वह एक महिला है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सरिता कोमती रेड्डी, सविता कोमती रेड्डी, सुष्मिता कोमती रेड्डी और सुमन कोमती रेड्डी। तो इसका राइट आंसर है सरिता कोमती रेड्डी। सरिता कोमती रेड्डी अमेरिका में भारतीय मूल की महिला है जिन्हें न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। COVID-19 महामारी की वजह से राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स को कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है, तो कितने सालों के लिए उन्हें स्थगित किया गया है। चार ऑप्शन दिए हैं, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए। तो इसका सही आंसर है 2 वर्षों के लिए। जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2021 में होने वाले थे, अब वह 2 वर्ष बाद होंगे, अर्थात 2023 में। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 2021 में ही होने वाले थे तो इन्हें पोस्टपोन क्यों किया। तो इसलिए इन्हें पोस्टपोन किया है क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले थे 2020 में, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, उन्हें 2021 में स्थगित कर दिया गया है। इसी वजह से कॉमनवेल्थ गेम्स को भी स्थगित करना पड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है। चार ऑप्शन दिए हैं, दिल्ली कैबिनेट, महाराष्ट्र कैबिनेट, बिहार कैबिनेट और हिमाचल प्रदेश कैबिनेट। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिनकी अध्यक्षता में कैबिनेट बनी, जिन्होंने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य के हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया है। हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण पूर्व न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया है, तो वो किस राज्य के पूर्व न्यायाधीश थे। चार ऑप्शन है, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और छत्तीसगढ़। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। जो अजय कुमार त्रिपाठी जी है वो छत्तीसगढ़ के पूर्व न्यायाधीश थे, जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कितने अवार्ड जीते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 अवार्ड जीते हैं। कितने अवार्ड जीते हैं, 3। जो पुलित्जर पुरस्कार है उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दिया जाता है, और न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क का एक अखबार है जिसने इस बार 3 अवार्ड जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो चार ऑप्शन है, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। तो जो सांसद है अधीर रंजन चौधरी, जिन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है, वो कौन सी पार्टी के सांसद थे। तो राइट आंसर होगा कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बिना केमिकल के होटल, मॉल और एयरपोर्ट को सैनिटाइज करने वाला UV ब्लास्टर टॉवर बनाया गया है। चार ऑप्शन है, दिल्ली IIT, मुंबई IIT, DRDO और मद्रास IIT। तो इसका राइट आंसर है
डीआरडीओ, डीआरडीओ का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डाइट डे, इंटरनेशनल नो डाइट डे, इंटरनेशनल ह्यूमन बॉडी डे, या फिर इंटरनेशनल सेंस डे। तो इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल नो डाइट डे। जो 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे स्टार्ट हुआ था, वो 90 के दशक से स्टार्ट हुआ था, जो ब्रिटेन की एक महिला थी मैरी इवेंस नामक, उन्होंने स्टार्ट किया था 6 मई को। उनका उद्देश्य यह था कि जैसा इंसान है वैसा अपने आप को स्वीकार करे, कोई डाइट ना करे, बस जैसा है वैसा अपने आप को स्वीकार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के रक्षा मंत्री नफ्तली बेनेट ने कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया है? तो जो नफ्तली बेनेट है वो किस देश के रक्षा मंत्री है? तो वो है इसराइल के रक्षा मंत्री। उन्होंने ये दावा किया है कि वो कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन बना रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की 10 जो क्वेश्चन से हम देख चुके हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।